मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब किसी में प्रगतिशील इंसान को देख के मतलब घृणा भावना, हीन भावना, उसके प्रति जलन क्यों आती है, क्या ऐसा क्यों होता है? क्या है कि अज्ञानता है ना, और अहंकार है, तो अहंकार क्या है कि बुद्धि बुद्धि अहंकार क्या करती है, बुद्धि हमेशा खुद का रक्षण करती है कि मैं ऊंचा हूँ, और हमारे से कोई ऊंचा हो गया तो जलन चालू है कि ये ऊपर आ गया तो मेरा क्या होगा, इनसिक्योरिटी लगती है उसको, तो उसके लिए सब दोष चालू हो जाते, स्पर्धा, कंपेरिजन, जलस, तो अज्ञानता से सब है। नहीं, हाईवे पर गाड़ियाँ जाती है ना, तो तू भी आगे जा, तू भी आगे जा, मैं हमारी ध्येय के अनुसार मैं चलूँगा, शक्ति अनुसार चलूँगा, हम कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। संसार में भी सब लोग आगे जाते जाने दो, ये जलस उत्पन्न होती है कि मेरा क्या होगा। हाँ, तो ये सचमुच तो हमारा भाग्य के हिसाब से हमारा होगा, उसके भाग्य के हिसाब से उसको होने दो, हमें क्यों राग द्वेष करे, दखल करे। तो ये ज्ञान से आपको सच्ची समझ मिलेगी, धीरे धीरे ये सब प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी। ये मतलब लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाधा डालती है ये जो जलन भावना। बहुत अंतराय दोषों के वजह से संसार में भटके हैं, कोई वाइफ ने रोका नहीं है, पति ने रोका नहीं, माँ बाप ने रोका नहीं, कोई बॉस रोकने वाला नहीं, कोई संजोग हमें रोकने वाला नहीं है संसार में से मुक्ति होने के लिए। हमारे ही अज्ञानता और अज्ञानता से क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष उत्पन्न हुए, वही हमारे बाधक है। यानी खुद के दोषों से खुद संसार में भटका है, दोषों से मुक्ति हो जाएगी तो संसार से मुक्ति मिलेगी।